हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 24 फरवरी दिन वीरवार हो गई है। चलिए फटाफट में सुनते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर देश विदेश का अपडेट वीडियो। अनंतनाग से किश्तवाड़ जाने वाले 6 शहरी मरगनटाप दर्रा में बर्फ की चादर में लापता हो गए। आखिरकार जिस चीज का डर था वही हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीवी पर मिसाइल अटैक करके कई जगहों पर बमबारी शुरू कर दी है। यूक्रेन में मार्शल ला हुआ जारी। कहा जा रहा है कि ये जंग अब थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकती है। वहीं नील खारवान व पोगल परिस्तान से लेकर कश्मीर में बिजली सप्लाई से लोग हुए महरूम। पुलवामा के बालाई व मैदानी इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी होने के बाद स्पन अनंतनाग में भारी से भारी बर्फबारी का शासाना। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। नहीं हो पा रहा है हिजाब का मामला हल। आज हाईकोर्ट में 10वीं बार सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि डिग्री कॉलेज हो या पीयू कॉलेज, अगर यूनिफॉर्म निर्धारित है तो उसका पालन करना ही पड़ेगा। वहीं देखिए, अब और मजबूत होगी सरहद की निगरानी। 13 बदलावों के साथ 35 नए राफेल भारतीय सेना में हुए शामिल। दोस्तों, एक खास चीज मैं आपको बता दूं कि इन राफेलों में एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मिसाइल फायर करने की भरपूर सलाहियत है। ब्रेकिंग न्यूज, 5 करोड़ से ज्यादा नौकरियों के लिए अच्छी खबर आई। दोस्तों, अब अगर आपके पीएफ खाते में देर से रकम जमा होती है तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं रीट 2022 की बात करें तो 23-24 जुलाई को होगा एग्जाम। 46,500 नई पोस्टें निकली। आखिरी सिलेक्शन के लिए एक और एग्जाम लिया जाएगा। इसके साथ ही रास मेंस एग्जाम अब 20 और 21 मार्च को होगा। और बिहार के भागलपुर में बहन के एफआईआर को लेकर नाराज भाई ने बहन के आशिक को उतारा मौत के घाट। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को उन्होंने कहा कि मुझे अब कोई अफसोस नहीं है। आखिर में आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 39 साल का इंतजार खत्म करके वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार लगाई थी डबल सेंचुरी। आज का अपडेट वीडियो हुआ खत्म। तो दोस्तों, क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपके चाचा जी की बहन आपकी चाची नहीं लगती हैं तो फिर वो आपकी क्या लगती हैं? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूले। जय हिंद।